गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे सरोजिनी नगर मार्केट के अंदर जो क्वार्टर्स बने हुए हैं CNBCC के। तो इसका मैंने दो ब्लॉग पहले ही बना रखे हैं जिनको मैंने अंदर क्वार्टरों को आपको दिखा रखा था, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज हम इसका बाहर का व्यू आपको दिखाएंगे। सरोजनी मार्केट में आप जानते हैं कि सरोज मार्केट का मैंने दो बार कवर ले लिया था क्योंकि दो बार मैंने ब्लॉग डाल रखा है इसमें, मगर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि ये कब ओपन हो रहा है। तो आज मैं फाइनली इसको पूरा दौरा करने के लिए आया हूं और इस पूरी कंफर्मेशन लेके आया हूं कि इसकी कब बीडिंग होनी और कब ये क्वार्टर अलाट होंगे। तो चलते हैं एक गार्ड भाई के साथ में, गार्ड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई ये कब बीडिंग इसकी लग रही है, अगले महीने का इन्होंने बताया है। तो फिलहाल चलते हैं अंदर, देखते हैं इन क्वार्टर में पूरी तैयारी की हुई कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये टाइप 2 क्वार्टर्स हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये T09 और T08 के यहाँ पे 11 फ्लोर के ये बने हुए हैं टाइप 2 क्वार्टर, फाइनली तैयार हो गए हैं और इसी महीने के अगले महीने, इस महीने में बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, अगले महीने 10 तारीख की इसकी अलाटमेंट शुरू हो जाएगी। तो जो भी भाई लोग करना चाहता है तो आप अपना जो है 1 तारीख से इसकी बिडिंग लगेगी, तो आप बिडिंग इसकी ले सकते हैं और अपना क्वार्टर अपना बना सकते हैं। बिल्कुल सरोजनी नगर जो मार्केट है उसके बिल्कुल पास में है ये, आप देखते हैं ये रोड है यहाँ साइड से। आज आपको बाहर बाहर का भी दिखाएंगे कि बाहर की क्या है, इसको सराउंडिंग एरिया में क्या क्या दिया है, पार्क वगैरह कैसे दी है, इसकी पार्किंग वगैरह कैसे दी है। तो गाइस ये देख सकते हैं हम सेंटर में आ चुके हैं, इस जो जितने भी टावर बने हुए हैं उनके बिल्कुल सेंटर में हम आ चुके हैं और ये देखो कितना शानदार लुक बन रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही बढ़िया कॉलोनी है यहाँ पे दिखने में मिल रही है। बीच में उन्होंने पार्क ही बनाई हुई, तो काम भी चल रहा है इसमें, मतलब फ्लैट पूरे हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बीच में पार्क बनाने का भी पूरा प्रयास करा है, जिसमें पेड़ पौधे लगा रखे हैं, पर अभी इनको कवर नहीं किया हुआ है, वो काम चलता रहेगा। आप देख सकते हैं इसका कितना लंबा इलाका है, ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, इतना बड़ा। और T19 मतलब लास्ट में आपको दिख रहा होगा T19 तक है इसके बने हुए क्वार्टर्स, मतलब T1 से लेकर। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे इनका कहना है कि ये क्वार्टर जो है अगले महीने से इनकी बिडिंग लगनी शुरू हो जाएगी और अलाट शुरू हो जाएंगे। तो कुछ क्वार्टर्स हैं अभी जिन पर काम चल ही रहा है, देखो अभी क्रैन भी लगी हुई है यहाँ पे, एक क्रैन से इनका काम चल रहा है और इनका वाइट वाश वगैरह भी नहीं हुआ है। तो मैं भी जितने क्वार्टर्स यहाँ पे बने हैं पूरे कम्प्लीट नहीं है, जो फर्स्ट रो वाले क्वार्टर्स हैं वो शायद कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी शायद बिडिंग लग सकती है, क्योंकि आधे क्वार्टर इस साइड के जो हैं इनका भी काम चल ही रहा है। यहाँ पे क्रेन्स भी अभी भी इंस्टॉल हैं, जितनी भी क्रेनें बड़ी बड़ी देख सकते हैं आप, ये जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं पोटेन क्रेन जो है, ये जो है अभी भी इंस्टॉल है, काम चल रहा है इसके ऊपर। तो ये शायद अभी इस साइड के जितने भी टावर्स हैं इनके ऊपर अभी बिडिंग नहीं होगी, जो राइट साइड के क्वार्टर्स हैं बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो चुके हैं। लास्ट में एक बार हम उनको फाइनली रिव्यू आपको दिखाएंगे, फिलहाल आप देख सकते हैं पूरा रिव्यू ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर, इतनी चिड़चिड़ाती धूप में हम आ चुके हैं आपको दिखाने के लिए। तो गाइज ये हमारे क्वार्टर्स रहे यहाँ पे NBCC के जो क्वार्टर है यहाँ पे, गवर्नमेंट क्वार्टर, और आपके साथ में आप देख सकते हैं आप सरोजनी मार्केट, बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये सरोजनी मार्केट का बाजार, जो आप बोर्ड देख सकते हैं यहाँ से। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पे बेसमेंट में जाएंगे और दिखाएंगे कि इसका कितना बड़ा बेसमेंट है, क्योंकि इतने टावर यहाँ पे जो बने हुए हैं 19 टावर हैं और हर टावर में 11 क्वार्टर है, 11 फ्लोर का टावर है, तो उसमें कितने गाड़ियाँ लोग पार्क कर सकते हैं वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे पर्सनली। ग्राउंड फ्लोर तो ये है, अभी हम जाएंगे नीचे बेसमेंट में, ये ग्राउंड फ्लोर है और हम बेसमेंट में जाके आपको इसका जो है पूरा रिव्यू दिखाएंगे कि जितनी पार्किंग का जो एरिया है इसका कितना है और कैसा बना हुआ है। तो ये बहुत बेहतरीन बेसमेंट का इलाका आप देख सकते हैं, पूरी ग्रिलिंग से भी यहाँ भी बहुत ही अच्छा मार्बल लगा हुआ है बेसमेंट, ये बेसमेंट 1, इसमें भी 2 बेसमेंट बना रखे हैं, एक बेसमेंट 1 है ये और इसके नीचे एक और बेसमेंट है, 2 बेसमेंट 1 में आ गए हैं। ये है पार्किंग एरिया बेसमेंट 1 का, आप इसमें देख सकते हैं कितना खुला इलाका है, कितनी गाड़ियां इसमें पार्क कर सकते हैं, मतलब फुल जितने भी यहाँ पे क्वार्टर हैं, अगर हर क्वार्टर वाला अपनी गाड़ी लेता है तो इस पूरे पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकता है, आप देख सकते हैं ये। और इसके नीचे एक और पार्किंग है जिसको बेसमेंट 2, उसमें भी हम जाके आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं हर क्वार्टर की गाड़ी के लिए पार्किंग बनी हुई है, तो सेफ है एकदम, टोटली सेफ है ये अंडर में नंबर बेसमेंट में।
अभी हम जाएंगे नीचे, नीचे इसका बेसमेंट टू है उसमें भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये बेसमेंट वन है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं T6, यहाँ पे T6 लिखा है, मतलब टावर 6 का 203 नंबर क्वार्टर की पार्किंग ये है। मतलब इसको इसी हिसाब से हर क्वार्टर का सेपरेट सेपरेट पार्किंग दे रखी है। टावर 6 का जो है 203 नंबर क्वार्टर की पार्किंग आप गाड़ी यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब अपनी अपनी सेपरेट पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं हो। उस साइड में भी इसी तरह से T7 का 104, T7 का 103, T7 का 102 अपने अपने टावरों का, ऊपर टावर है, नीचे इनका जो है पार्किंग एरिया बेसमेंट में बनाया गया। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं बेसमेंट टू में, ये बेसमेंट टू है। तो बेसमेंट टू में भी अंदर देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम है इसमें। ये मुझे लग रहा है कि पूरा बंद है, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है बेसमेंट टू, ये बंद कर रखा है यहाँ पे, नहीं खुला है यहाँ से। तो ये देखो बेसमेंट टू में भी फुली पार्किंग, सेम जैसे ऊपर की पार्किंग का एरिया है वैसे यहाँ भी पार्किंग का एरिया है, पर यहाँ पे अभी नंबरिंग नहीं लगाई गई है कि कौन सा नहीं है। उस साइड में आधे आधे लगे हुए हैं, आधे आधे जो जो क्वार्टर्स तैयार हैं उनकी नंबरिंग लगी हुई है। जैसे T7 में 602 नंबर क्वार्टर, ये T7 to T8 जो क्वार्टर तैयार हैं उनके नंबरिंग लगी हुई है, जो तैयार नहीं उनके भी नंबरिंग नहीं लगी हुई है। तो ये देखो कितना बड़ा पार्किंग का एरिया है, ये बेसमेंट टू है, मतलब जितना टावर ऊपर है उतना नीचे है भाई, क्या बात है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा पार्किंग एरिया, और ऊपर से ये लाइनिंग ऑक्सीजन की लाइन लगा रखी है उन्होंने, एसी की लगी रहती है, ये पूरा फुल तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप। तो गाइज जैसे मैंने इसकी बिडिंग के बारे में आपको बताया कि इसकी बिडिंग जो है अगले महीने को होने को जा रही है, पर जिस हिसाब से इसका काम मैं देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता है ये कि अगले महीने इसकी बिडिंग शुरू होगी। तो मे भी जिसने भी क्वार्टर लेना वो थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के इनके साथ संपर्क में रहिए, मैं भी आपके साथ संपर्क में हूँ, तभी इतनी चिड़चिड़ाती धूप में आके मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग करके शेयर कर रहा हूँ कि इसकी बिडिंग कब होनी, ताकि ये मेरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग न जाए। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी इस ब्लॉग को देखें तो देखने के बाद में इधर आके भी थोड़ा सा रिव्यू करें कि भाई कब खुल रहा है। मेरे हिसाब से तो अगले महीने इन्होंने बताया है, पर मेरे को लग नहीं रहा है कि अगले महीने इसकी बिडिंग हो सकती है। तो हो सकता है कि अगस्त तक इसकी कम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि आधा टावर का काम अभी चल ही रहा है, क्योंकि आज मैंने इसका बाहर का व्यू लिया है। गाइज इसमें लिफ्ट्स भी बनी हुई हैं, दो लिफ्ट लगाई हुई हैं, पर अभी थोड़ा सा उसमें कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम बाय स्टेयर जा रहे हैं ऊपर। बाकी इसमें लिफ्ट का पूरा प्रावधान है, नंबर बेसमेंट टू से लेकर 11 फ्लोर तक जो है आप इसमें चढ़ सकते हैं। तो चलते हैं ऊपर, ये देखो आप लिफ्ट दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे लिफ्ट, ये बेसमेंट वन आ गया है, यहाँ पे आप लिफ्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, दो लिफ्ट इसमें बनी हुई है। तो भाई टाइप टू में और क्या चाहिए, और क्या बच्चे की जान लोगे, टाइप टू में इतना बहुत होता है। दो लिफ्टें भी लगी हुई हैं ऊपर नीचे जाने के लिए, अभी चलते हैं बाहर। तो गाइज आज की इस ब्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इसकी बिडिंग्स जो है अगले महीने को जो होने को जा रही थी, तो मुझे इसके काम के हिसाब से तो नहीं लग रहा कि अगले महीने इसकी बिडिंग शुरू होगी, पर आप लाइन में बन रहे, हो सकता है कि आधा जो तैयार है यहाँ पे देख सकते हैं पूरी साफ सफाई हो चुकी है, तो आधा जो तैयार हो गया उनकी बिडिंग लग जाएगी, क्योंकि इसकी बिडिंग पहले से लगनी, तो कुछ हादसा होने की वजह से इन्होंने उस बिडिंग को रोक दिया था, और मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं गलत ना हो इसलिए मैं आज दोबारा इस चिड़चिड़ाती धूप में आकर ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा नज़र जमाए रखें, बहुत ही अच्छे क्वार्टर हैं, बिल्कुल सरोजनी मार्केट की बिल्कुल बगल में हैं, और अच्छी जगह पर है, साफ सुथरी जगह, अच्छा वातावरण है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, बेस्ट जगह पर ये क्वार्टर्स बने हुए, और ये टाइप टू क्वार्टर हैं, और टाइप टू क्वार्टर में ऐसी फैसिलिटी बनना नामुमकिन है, बहुत ही प्यारी फैसिलिटी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे क्वार्टर हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके, शानदार, आला दर्जे के बने हुए हैं। तो गाइज इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं पर समाप्त। आई होप ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। तो गाइज आप देख सकते हैं ये क्वार्टर रहे, और ये मेन रोड रहा यहाँ पे, जिसका नाम है इस ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड, इसका नाम है ये, और आगे आपको यहीं पर सरोजनी मार्केट जो है वहाँ यहाँ पे मिलेगी, यहाँ से देखो राइट में, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको यहाँ पे सरोजनी मार्केट दिखेगी। यहाँ से हम यूटर्न ले लेंगे, हम अंदर सरोजनी मार्केट तरफ नहीं जा रहे हैं, यहाँ से यूटर्न लेंगे, और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको सरोजनी नगर जो मार्केट है वहाँ का जाना, आप देख सकते हैं आपको वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ पे एक स्कूल मिल जाता है, नवयुग स्कूल,
तो ये नवयुग सुकूल आपका बिल्कुल सरोजनी मार्केट जो ये जो टावर बने हुए हैं बिल्कुल उसके बगल में ही है। आप सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस में चल के भी यहाँ पे आप बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिला के यहाँ पढ़ा सकते हैं। सबसे नज़दीक वाला स्कूल आपको यही मिलेगा। तो लोग पानी बांट रहे थे, इतनी चिड़चिड़ाती गर्मी में तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। यहाँ पे हमने पानी पी लिया थोड़ा सा, हाँ मीठा पानी होगा, शरबत बना के पिलाते हैं। यहाँ लोग सेवा कर रहे हैं गाड़ियों को रोक रोक के। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का वितरण हो रहा है, इतनी गर्मी में चिड़चिड़ाती धूप में दिल्ली में लोग अपना सेवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं लोगों को, गाड़ियों को रोक रोक के तो पानी पिला रहे हैं। तो फौजी भाई ने भी यहाँ पानी पी लिया है। काफ़ी चिड़चिड़ाती धूप है और इस चिड़चिड़ाती धूप में हेलमेट का लगाना बहुत ही खतरनाक होता है, गर्मी से बुरा हाल होता है।